हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये है सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो चैप्टर का हेडिंग लगा देते हैं और कॉपी और पेन निकाल लेते हैं, बैठ जाते हैं। क्या है चैप्टर में? चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो है, स्टार्टिंग में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में पहला है, चैप्टर का नाम ही है फ्लूइड मैकेनिक्स। चैप्टर का नाम ही है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड होता क्या है एक्चुअली में? फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है। फ्लो कौन कर सकता है? तो जनरली फ्लो कौन कौन कर सकता है? कोई लिक्विड होगा और कोई गैस होगा, या फिर प्लाज्मा, ये भी ले सकते हैं। बट अभी हमने बात कर लेते हैं लिक्विड और गैस के बारे में। तो लिक्विड और गैस जनरली क्या है? लिक्विड और गैस जो है वो ये फ्लो कर सकता है। तो दोनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि गैस के बारे में, इस चैप्टर में गैस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ना है। तो लिक्विड के बारे में पढ़ना है। लिक्विड क्या, यहाँ पे एक टर्म आएगा हमारे पास, प्रेशर। एक टर्म आएगा प्रेशर, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। प्रेशर क्या है? क्लास 9 में पढ़ा होगा या फिर बार बार तुमको मिला ही होगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है एक्चुअली में? तो डेफिनेशन बुक में ऐसा मिला होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं प्रेशर, यही ना, ये हमें मिला है। बट ये डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं। कौन सा फोर्स? प्रेशर जो है वो कौन सा फोर्स पर यूनिट एरिया होने से प्रेशर होगा? तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये होना चाहिए नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स दैट इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब मान लेते हैं कि कोई सरफेस हमारे पास है, कोई एक सरफेस है, तो इस पे अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एफ, और इसका एरिया है ए, तो इस पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो होगा पी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये होगा। दैट इज फोर्स, कौन सा फोर्स? जो फोर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द सरफेस, इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है कि फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहीं पे ऐसा फोर्स नहीं लगा के अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस है और इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है, तो क्या प्रेशर, ये प्रेशर क्या एफ बाई ए होगा? क्या प्रेशर एफ बाई ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स नॉर्मली एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे सरफेस है और ये ऐसे एक्ट कर रहा है, मतलब नॉर्मली एक्ट नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलरली एक्ट नहीं कर रहा है। सो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा अगर इसका, दो परपेंडिकुलरली अगर एक्ट करता है तो इसका एक, इसको ऐसे नीचे के लिए की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो एक इधर होगा और एक किधर होगा, एक इधर होगा। तो ये जो फोर्स, इसका इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका जो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये जो कंपोनेंट हो गया वर्टिकल, इस फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इस केस में फोर्स बाय परपेंडिकुलर, फर्स्ट फोर्स बाय एरिया लिखेंगे तो कौन सा फोर्स लिखेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट वाला फोर्स, जो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि हमें बुक में मिल जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन वहाँ पे बुक में गलती नहीं है कि बुक में गलत लिखा है, नहीं, समझने में फेर है। समझने में क्या फेर है कि कौन सा फोर्स? फोर्स दैट इज व्हिच इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये इतना बात समझ में आ गया, तो देख लेते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर दीजिए, कॉपी और पेन निकाल के इसको नोट करते जाइएगा, नोट करना है इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया प्रेशर का कहानी, प्रेशर है क्या? तो हमने समझ लिया कि प्रेशर क्या है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। प्रेशर का यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट है इसका, यूनिट यूनिट जो है वो है, देख लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय, फोर्स को क्या लिखेंगे? न्यूटन, और एरिया को क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको, क्योंकि ये इसके ऊपर एक साइंटिस्ट पास्कल ने बहुत ज़्यादा काम किया है, प्रेशर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए हमने उनके ऑनर पे इसको, इसका और एक नाम रख दिया पास्कल, इसका और एक नाम रख दिया पास्कल।
तो ये यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्केल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका और यूनिट है? हाँ, अदर यूनिट्स भी है इसका, अदर यूनिट्स है। अदर यूनिट्स क्या है इसका? अदर यूनिट्स है वन एटमोसफियर, वन एटीएम, वन एटीएम पढ़ते हैं, वन एटमोसफेरिक प्रेशर, वन एटमोसफेरिक प्रेशर, और ये होता है 1.015 013 इंटू 10^5, या 1.01 लिखने से चलता है, 1.01 इंटू 10^5 पास्केल, 1.01 इंटू 10^5 पास्केल ऐसे लिखने से चलता है। इसका और एक यूनिट है बार, और एक यूनिट है बार, वन बार, ये वन बार में होता है 10^5 पास्केल, और एक यूनिट होता है 10^5 पास्केल, वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्केल, यानी वन एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर लिखना हो दैट इज़ वन एटीएम, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.01 बार लिखा जा सकता है, 1.013 भी, कभी किसी किसी बुक में 1.013 भी लिखा होगा, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.01 लिखने से काम चल जाता है हमारा, दो यूनिट तक पढ़ने से आसानी होता है। तो 1.013 बार ये हो गया, वन बार में 10 पास्केल है और 10^5 पास्केल है, और वन एटमोस्फेरिक में 1.013 इंटू 10^5 पास्केल है, तो 10^5 का मतलब है वन बार, तो वन, ये वन एटमोस्फेरिक में कितना होगा, 1.013 बार। इसको इसका और एक यूनिट है 760 टॉर, और एक यूनिट है 760 टॉर, और टॉर और एक यूनिट है जिसको हम एटमोस्फेरिक प्रेशर में अगर लिखना हो तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। ये तो हो गया मोटा मोटा एक आइडिया, यूनिट ये होता है, ये सब यूनिट, ये तो नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ये भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, किस सिचुएशन में कहाँ पे क्या मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं तो जनरली हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल। अब ये बार, ये भी एक कहीं भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कहीं पे टॉर को भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल होता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिट्स, ये उसको नोट कर लीजिए आप लोग, यूनिट्स अगर ये है, ठीक है, यूनिट्स आप लोग पोज करके, वीडियो को पोज करके नोट कर लीजिएगा। यूनिट यहाँ पे यूनिट की बात करें तो अभी बात कर रहे हैं हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और फ्लूइड जो पढ़ेंगे यहाँ पे इस पार्ट में हम फ्लूइड को रेस्ट में पढ़ेंगे। फ्लूइड को कहाँ पढ़ना है, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, और कौन सा फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड में कौन सा पढ़ेंगे हम, लिक्विड पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड एट रेस्ट, इस पार्ट में हम लिक्विड एट रेस्ट पढ़ेंगे। तो लिक्विड अगर रेस्ट में है तो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगा, प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगा, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई एक वेसल है, कोई एक वेसल है और इसमें वाटर भरा पड़ा है, वाटर, वाटर इज़ अ लिक्विड, वाटर इज़ अ लिक्विड, तो ये वेसल अगर रेस्ट में है तो वाटर भी क्या है, रेस्ट में है, तो क्या ये प्रेशर नहीं लगा रहा है, लगा रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशंस में है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल्स या क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशंस में है, मोशंस में, तो ये वाल के साथ कोलाइड कर रहा है, ये भी वाल के साथ कोलाइड कर रहा है, ये भी चल के जा किसी के साथ कोलाइड कर, ये वाल के साथ कोलाइड कर रहा है, ये भी वाल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने का मतलब क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, दे आर एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द वाल्स, दे आर एग्जर्टिंग ऑन द वाल्स, इसका मतलब है कि फ्लूइड में जो प्रेशर होता है, फ्लूइड में जो प्रेशर होता है दैट इज़ फ्लूइड प्रेशर, ये किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स, कोलिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वाल्स एंड कोलिशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स विथ वाल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिशन होने से इसको हम प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर नाम दे देते हैं, ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए फ्लूइड प्रेशर, देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गया फ्लूइड प्रेशर का कहानी, अब फ्लूइड प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर एट ए डेप्थ, प्रेशर एट ए डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि प्रेशर एट ए डेप्थ, एट ए डेप्थ, किसी डेप्थ में प्रेशर क्या होगा। तो मान लीजिए कोई एक वेसल है, सपोज देयर इज ए वेसल, कोई एक वेसल ले लिया हमने, थोड़ा इसको बढ़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ, एक वेसल ले लेते हैं, कोई भी एक बर्तन ले लिया हमने, ठीक है, और उसमें क्या रख दिया, वाटर, यहाँ पे क्या रख दिया, वाटर रख दिया, यहाँ पे वाटर रख दिया, तो हम फिजिक्स वाले क्या करते हैं, बोर्ड में भी पानी ड्रॉ कर सकते हैं ना, कितने मज़ेदार हैं हम लोग, तो बोर्ड में हमने क्या कर दिया, एक वेसल भी बना दिया और साथ में इसमें क्या कर दिया, पानी भी ड्रॉ कर दिया, चलिए इसमें पानी है। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए इसका एक डेप्थ में, सर्टेन डेप्थ में मुझे इसका प्रेशर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो
इस पानी का एक सिलेंडर बना देते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये पानी का ही हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया। कोई भी शेप दे सकते हैं पानी को, कोई भी शेप, लिक्विड को क्या है, फ्लूइड को कोई भी शेप दिया जा सकता है, जिस शेप में रख दो वही शेप हो गया इसका। तो हमने एक सिलेंडर बना दिया जिसका हाइट है h। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, पॉइंट P पे। पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है B, मुझे प्रेशर निकालना है पॉइंट B पे, प्रेशर निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो ये वेसल खुला हुआ है, ऊपर से क्या है, खुला है। तो खुला है तो ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर इसको प्रेशर दे रहा होगा, ऊपर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा होगा। मान लीजिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देते हैं पी नॉट, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इसको प्रेशर दे रहा है। अब यहाँ पे इस ये जो हमने कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है हमने, एक सिलेंडर कंसीडर किया है। सिलेंडर जो कंसीडर किया है, इसका वेट होगा, खुद का भी तो एक वेट होगा, किधर होगा वेट, वेट किधर लगता है हमेशा, नीचे की तरफ। वेट किधर लगता है हमेशा, नीचे की तरफ, एम जी इसका वेट होगा, एम जी, और किधर लगेगा, नीचे की तरफ। प्रेशर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, फोर्स क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द, लिक्विड जो होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स अप्लाई करता है हमेशा, कैसा किधर से भी हो, इधर से भी अप्लाई करेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, इधर से भी परपेंडिकुलर टू सरफेस, इधर भी, अगर ऊपर, इधर तो ऊपर अभी पानी नहीं है, अगर पानी रहता तो ऊपर से भी क्या होता, परपेंडिकुलर टू फोर्स, परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्स लगाता। तो यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर आ गया। इसका एरिया मान लेते ए है, इसका एरिया क्या है, ए है। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर एट दिस पॉइंट क्या होगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट अगर हम निकालें, सो प्रेशर एट दिस पॉइंट पी, प्रेशर एट दिस पॉइंट पी अगर मान लेते, यहाँ पे प्रेशर पी है, पी इक्वल टू ये पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट प्लस ये इसका, इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट या फिर इसका जो ये जो प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें अगर, तो पी पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, रो जी एच, रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, ये डेंसिटी है किस फ्लूइड का, इस फ्लूइड का, मतलब यहाँ पे वाटर लिया, वाटर का डेंसिटी है रो, ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, साथ में रो जी एच, ये जितना पानी हमने ये पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट लिया इसके ऊपर एच हाइट तक पानी कंसिडर किया है, उस हाइट का पानी और जो सिलेंडर कंसिडर किया उसका डेंसिटी, मतलब लिक्विड का डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, इसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर बोलते हैं। और ये जो प्रेशर है इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, गॉज प्रेशर, मतलब रो जी एच इज व्हाट, गॉज प्रेशर, और ये जो पी है ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो ये हो गया प्रेशर एट ए डेप्थ, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, प्रेशर एट ए डेप्थ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे, लिक्विड के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करना है, क्या पॉइंट नोट करना है, इसको मैं रब कर दूं, तो पॉइंट नोट करेंगे क्या, चलिए कुछ पॉइंट्स नोट करना है। पहला पॉइंट है लिक्विड्स का कुछ कुछ आदत होता है, ठीक है, लिक्विड्स के, लिक्विड्स का कुछ हैबिट होता है, जैसे आदमी का हैबिट होता है वैसे लिक्विड का भी कुछ हैबिट होता है। क्या होता है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, कुछ नोट है, नोट क्या है, नोट है नंबर वन, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द लिक्विड कॉलम, ऑन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कोई लिक्विड कॉलम ले लिया, ये बर्तन वाला ले लिया, ये बर्तन है, इसमें एक हमने ये लिक्विड ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने क्या किया, कोई मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पे, कोई कोई, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी, बट मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, हर डायरेक्शन में प्रेशर उस पर सेम लगेगा,
या फिर ये हर डायरेक्शन में प्रेशर सबको एग्जर्ट, सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये मॉलिक्यूल, या फिर ये भी कोई ऑब्जेक्ट है वो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर चारों तरफ से पानी जो है सेम प्रेशर लगाएगा, या फिर ये भी पानी को उतना ही प्रेशर लगाएगा, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यहाँ पे बोला गया एट ए पॉइंट इन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर एग्जर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन से प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नंबर टू बोल रहा है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम लेवल, सेम हॉराइजेंटल लेवल ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम हॉराइजेंटल लेवल क्या रहता है, हैव इक्वल प्रेशर, सबका प्रेशर क्या रहेगा एक लेवल पे, एक सेम हॉराइजेंटल लेवल पे। मान लो कि ये लिक्विड है, इसका एक हॉराइजेंटल लेवल ले लेते हैं, यहाँ ये हॉराइजेंटल लेवल है, तो ये हॉराइजेंटल लेवल पे जितना भी पॉइंट्स होगा, इस ये पॉइंट हो, ये हर पॉइंट्स पे क्या प्रेशर सेम रहेगा, ये इसका रूल है, ठीक है। देख लो ऐसे भी, अगर ये क्या है यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकली सोचे तो ये जो इस लाइन पे जितना पॉइंट्स है सब सेम डेप्थ पे है, तो थोड़ा पहले वाला फॉर्मूला अगर लगा दिया हमने कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो रो नॉट तो सबके लिए सेम होगा, एच भी सबके लिए सेम है, मतलब प्रेशर सब पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम हॉराइजेंटल लेवल हैव इक्वल प्रेशर, ये तीन पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रेशर जो है वो साइज शेप पे, मतलब किसी वेसल का साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए कि एक हमने ये लेवल ले लिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक छोटा सा सिलेंडर रख दिया और इसमें पानी भर दिया, एक छोटा सा सिलेंडर रख दिया और एक पानी भर दिया, इसमें हाइट एज तक पानी भर दिया, ठीक है। कोई और एक बर्तन रख दिया और इसमें भी पानी उसी लेवल तक भर दिया जिस लेवल तक यहाँ पे भरा है, या फिर कोई ऐसा बर्तन ले लिया ऐसा, ठीक है, कोई ऐसा वेसल ले लिया, इसमें भी पानी कहाँ तक भर दिया, एच हाइट तक भर दिया। तो सब वॉल्यूम क्या है, अलग अलग है, सब में वॉल्यूम अलग अलग होगा, ऑब्वियसली सब में वॉल्यूम अलग अलग होगा, सब में मान लो इसमें 10 लीटर है, इसमें 20 लीटर है, इसमें 25 लीटर है, मान लेते हैं, इमेजिन करना है, कंसिडर करना है। वॉल्यूम भले अलग अलग हो लेकिन अगर सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे, ये भी सेम, ये एच हाइट पे, ये भी एच हाइट पे, ये भी एच हाइट पे, तो इस पे जो, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी एक थर्ड पॉइंट है कि जो प्रेशर एट ए डेप्थ या प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पतला सा ट्यूब है और उसमें एज हाइट तक पानी कितना आएगा, और ये बड़ा सा बर्तन है, इसमें एज हाइट तक पानी तो ज़्यादा ही आएगा, और ये और बड़ा है तो इसमें पानी ज़्यादा आएगा, अमाउंट वॉल्यूम ज़्यादा रह सकता है, बट हाइट सबका क्या है, सेम है। अगर हाइट सबका सेम है तो वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे समझा देते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास होगा ना कुछ नीचे की तरफ mg, इसका मास होगा नीचे की तरफ mg, और इसका एरिया अगर a है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे, एक बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा p इज इक्वल टू पी नॉट, बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, मान लीजिए हाइट, लिक्विड का हाइट है h तक, है एज तक हाइट है इसका, एज तक पानी है, और ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट कर रहा है ये भी तो प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पी पे जो प्रेशर होगा, पी इज इक्वल टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस हाइट में जो लिक्विड है उसके वजह से, उसके लिए क्या होगा, रो जी एच, प्लस इसके लिए भी तो होगा ना, और इसका क्या होगा, एम जी, इसका फोर्स लगा रहा है एम जी, और एरिया क्या है, ए, फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, या तो हमने पढ़ा ना, फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, दैट इज नॉर्मल फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर। तो यहाँ पे फोर्स, ये तो एम जी जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल टू द बॉडी होगा, नॉर्मल टू द बॉडी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसका एरिया, तो ये प्रेशर भी यहाँ पे एग्जर्ट होगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऐड कर दिया तो उसका भी प्रेशर इस पॉइंट पे एग्जर्ट होगा। मतलब यहाँ पे अगर पहले कोई
बिना ये ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा है तो उसको 10 पास्कल का प्रेशर वो झेल रहा है। लेकिन अगर और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया तो क्या ये 10 पास्कल ही रह जाएगा? नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा mg/a। सो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेना। अगर इसको नोट कर लिया तो समझ लेना है कि हमारा जो आगे का टॉपिक्स होगा बहुत ही आसान होगा। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। मैं रब कर दूं, रब कर देता हूं। ओ भैया खांसी आ गया, धीरे धीरे से मिटाना भैया, धीरे धीरे से। देखो इधर, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर तो ये देख लिया हमने, मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, प्रेशर को मेजर करते हैं कैसे, कुछ डिवाइस चाहिए। पहला डिवाइस है बैरोमीटर। क्या है बैरोमीटर? ये बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर ये इट इज़ ए डिवाइस क्या करने के लिए होता है? मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? सर हम तो पता नहीं हमको क्या मेजर करना है, जो मन करे वो मेजर करना है। नहीं, बैरोमीटर क्या करता है? इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर जिंदगी में ऐसे ही इतना प्रेशर है, ऊपर से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ऐसा नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर का अर्थ के ऊपर, उससे उसको हम किससे मेजर कर लेंगे? बैरोमीटर से मेजर कर लेंगे। ठीक है, बैरोमीटर से मेजर कर लेंगे। तो ये डिवाइस जो है एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं? इसके लिए क्या है, सिंपल, एक टब लेना है। टब मतलब कोई एक बर्तन है, ठीक है। उसमें हमें क्या रखना है, मरकरी रखना है। अब सर मरकरी क्यों लेंगे, बताता हूँ भैया। मरकरी क्यों लेंगे, क्यों नहीं पानी रख देंगे? ठीक है, पानी क्यों नहीं रख देंगे, मरकरी क्यों रखेंगे? तो मरकरी यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है, कोई एक ट्यूब लेना है। ट्यूब सर एक ट्यूब ले लिया हमने। ट्यूब लेके क्या करेंगे, ट्यूब को, मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब को वैक्यूम करना है। वैक्यूम मतलब इसका हवा अंदर से बाहर निकाल दें, इसका जो भी कुछ हवा नहीं रहना चाहिए। और इसको क्या करेंगे, इसको लाके इसमें पटक देंगे उल्टा करके, ठीक है। इसमें उल्टा करके ऐसे क्या करना है, पटक देना है किसी ट्यूब को, इसके अंदर क्या करना है, पटक देना है। तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो लिक्विड है, मतलब मरकरी जो इसके ऊपर उठ जाएगा, इसके ऊपर ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा, एच हाइट तक, ठीक है। तो इस पॉइंट ये ऊपर क्यों जाएगा, ये ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ये वैक्यूम है। ये ट्यूब क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब बाहर से कोई प्रेशर है ही नहीं, हवा नहीं है, तो कौन प्रेशर देगा इसको? लेकिन बाहर का जो फ्लूइड है उसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा रहा है, तो दबाने से कहाँ जाएगा, ये लिक्विड जो है वो ऊपर उठ जाएगा, ट्यूब के अंदर ऊपर उठ जाएगा, अप टू हाइट एच। तो बैरोमीटर में ये टोरिसेली ने इसका बनाया था, टोरिसेली ने इस पे काम किया था, इसलिए इसको टोरिसेली अपरेटस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टोरिसेली या फिर बैरोमीटर बात कर लेते हैं, बैरोमीटर में तो इस पॉइंट पे प्रेशर, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी और ये पॉइंट ले लिया सी, तीन पॉइंट ले लिया, तीनों कहाँ है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तीनों कहाँ पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट हमने सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, ये ठीक है, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो बात कर लेते हैं, यहाँ दो पॉइंट लेने से भी काम चल जाएगा। मान लीजिए दो पॉइंट ले लिए यहाँ पे, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एट बी क्या होगा, प्रेशर एट ए तो समझ में आ रहा है कि सर प्रेशर एट ए जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, मतलब इस पॉइंट पे कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एट बी, बी पे प्रेशर कौन लगा रहा है,
सर यहाँ पे कोई तो नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम जब है जो यहाँ का, यहाँ तो कोई प्रेशर ही नहीं है, यहाँ से कोई लिक्विड को दबा नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर किसके वजह से होगा? सिर्फ लिक्विड के वजह से होगा। लिक्विड के वजह से प्रेशर होगा तो कितना होगा? रो जी एच ये होगा। और अभी हमने क्या बोला कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, और तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि प्रेशर ए हो गया, ये क्या हो गया? प्रेशर ए, क्योंकि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी है, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू रो जी एच हमने लिख दिया यूजिंग द फॉर्मूला, ये हमको पता है। तो प्रेशर एट ए, फिर प्रेशर एट ए क्या है? एटमोस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से बैरोमीटर से क्या कर सकते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर कर सकते हैं? देखो यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इक्वल टू रो, रो किसका? इसका ये किस क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है मरकरी। क्या है इसके अंदर? मरकरी, वाटर नहीं है। जनरली क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी का डेंसिटी, ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी है। मरकरी का डेंसिटी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 होता है। ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना होता है? 9.8 होता है, ठीक है। इंटू ये एच ये मरकरी कितना ऊपर तक जाता है? तो ये जो मरकरी यहाँ पे स्केल लगा, अगर स्केल रहेगा, स्केल अगर लगा दिया हमने यहाँ पे, तो देखेंगे कि ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा से ज़्यादा 760 मिलीमीटर तक जाएगा। कितना जाएगा? 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो 760 मिलीमीटर अगर कर देते हैं तो इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? -3 मीटर हो जाएगा। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमको, ये सबको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 1.013 लिखना है, नहीं लिखेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्केल। तो यहाँ से आता है वैल्यू, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। एट स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट स्टैंडर्ड लेवल पे स्टैंडर्ड वैल्यू है 1. ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है हर जगह ये सेम होगा, ऐसा नहीं है। एट सी लेवल, ये जनरली क्या है? एट सी लेवल मान लिया जाता है, सी लेवल पे, इसको एट सी लेवल पे मान लिया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये थोड़ा पहले मैंने लिखा था इसका वैल्यू, वो यहाँ से आता है बैरोमीटर से मेजर करने के बाद इतना वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग बैरोमीटर, और इसको टोरिसेली अपराटस भी बोल सकते हैं, जिससे हम इस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रब कर दूँ इसको। नेक्स्ट है मैनोमीटर, और एक डिवाइस है जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर, और एक डिवाइस जिसका नाम है मैनोमीटर। ये मैनोमीटर क्या है? तो सर बैरोमीटर जब है तो मैनोमीटर का क्या जरूरत है? तो बैरोमीटर तो किस लिए यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हर जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर जरूरत नहीं है ना, कई कई गैस सिलेंडर में प्रेशर कितना है मेजर करना है, तो क्या बैरोमीटर लगाएंगे? नहीं, वहाँ पे कुछ और लगा देंगे, उसका नाम हो जाएगा मैनोमीटर। वहाँ पे जो डिवाइस यूज़ करेंगे उसका नाम होगा मैनोमीटर। तो इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए गैस, इन ए चैम्बर बोलने से कोई सिलेंडर भी हो सकता है, चैम्बर के अंदर गैस जो है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ए डिवाइस मैनोमीटर, ठीक है। ये होता कैसा है, मतलब ये रफ डायग्राम में होता कैसा है? कुछ ऐसा होता है, ये एक चैम्बर है, ठीक है, इस तरह से ये एक चैम्बर है, यहाँ से ऐसे पाइप लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? कुछ पोर्शन में क्या होगा यहाँ पे इस पाइप में, ये जो यू ट्यूब शेप दिख रहा है, जो देख रहे हो वो यू ट्यूब नहीं, ये यू शेप का जो ट्यूब है उसमें क्या रहता है? पानी रहता है, वाटर, ठीक है, वाटर या मरकरी कुछ भी रह सकता है जनरली। तो इसके अंदर गैस रहता है, इसके अंदर क्या रहता है? इस चैम्बर के अंदर गैस रहता है। तो गैस क्या है? यहाँ से निकल के इस लिक्विड को दबाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुला है ना, तो गैस निकल के इस लिक्विड को दबाएगा तो लिक्विड क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर इस हाइट पे इस यहाँ पे अगर इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल दे देते हैं, तो इस लेवल का
प्रेशर और इस लेवल का प्रेशर क्या होता है, सेम रहेगा, क्योंकि सेम हॉराइजेंटल लेवल पे लिक्विड चाहे ऊपर कुछ भी हो ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, सेम हॉराइजेंटल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ का मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट बी। अब ध्यान से देखो, तो अगर लिक्विड यहाँ पे, ये जो लिक्विड इस कॉलम का जो लिक्विड ये इस ट्यूब में जो लिक्विड है इस लेवल से ये एच हाइट ऊपर है, एच हाइट ऊपर है और इसका डेंसिटी अगर रो है तो मैं पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी बी को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा होगा क्योंकि ये ट्यूब खुला है तो एटमॉस्फेयर भी क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। तो पी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये या इस पॉइंट पे ये गैस कितना प्रेशर लगा रहा है वो कैसे मिलेगा, इस पॉइंट पे ये लिक्विड कॉलम और एटमॉस्फेयर मिलके कितना प्रेशर लगा रहा है उससे मिल जाएगा, दैट इज़ पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये तो हमने लिखा कि क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहता है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। लेकिन पी बी मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर एट दिस पॉइंट पी, ये कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड हाइट, इस लिक्विड कॉलम के लिए भी, दैट इज रो जी एच। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ये हमको पता चल जाएगा, मतलब गैस कितना प्रेशर लगा रहा है वो हमको पता चल जाएगा इससे, ठीक है, बाय यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। ओके, तो इसको नोट कर लो फिर, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा अगर न्यूमेरिकल कर लिया हमने तो हमें और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है और इसका मुझे यहाँ पे मेजर करना है प्रेशर कितना है, और ये जो है सरफेस से 500 मीटर नीचे है, कितना नीचे है, 500 मीटर नीचे है, तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा पी नॉट, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा पी नॉट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लिक्विड भी इस पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा होगा, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। ये क्या है, ये ओशन है या सी है, कोई सी या ओशन है मान लेते हैं, ठीक है, थीके? तो पी नॉट क्या होता है, 1.01 × 10⁵, 01503, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, तो 1.01 ले लेते हैं × 10⁵ क्या है 5 पास्कल, प्लस पास्कल नहीं लिखता हूँ, चलो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाट, सी वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1.03 × 10⁻³ कितना, 10³, 1.03 × 10³ kg/m³, ये होता है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, इंटू जी का वैल्यू कितना है मान लेते हैं 10, एज कितना है 500 मीटर, 500 मीटर मतलब 5 × 500 मीटर है, तो 500 मीटर लिखना है, 500 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, माइनस थ्री होगा, ठीक है, 500 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर को मीटर में रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है, किलोमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है इसको, चलो 500 मीटर देख लेते हैं फिर, मीटर है तो इसको सॉल्व करते हैं, 1.01 × 10⁵ प्लस 1.03 × 10�³ × 10 इसको मैं लिखूं 5 × 10⁻ या 50 × 10 लिखा जा सकता है, 50 × 10 500 हो, फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 हो गया तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, वरना मैं 5 × 100 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.01 × 10⁵ प्लस, अब देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 1.03 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 51, 50 और 3, 15, तो 51.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.5 हो जाएगा × 10⁻ कितना हो गया, 3 + 1 + 1 कितना 5, सॉल्व कर दें तो कितना मिलेगा, 10⁵ कॉमन है, सो 51.5 प्लस 1.01 × (10⁵), इसको सॉल्व कर देंगे कितना हो गया, 52.51 × 10⁵ पास्कल। तो ये इस तरह से हम एट ए डेप्थ निकाल सकते हैं, एट ए डेप्थ किसी भी डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, जो फ्लूइड बोला है या जो लिक्विड बोला है उसका डेंसिटी क्या है वो पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमको पता ही है, एज तो हमको पता है दिया रहेगा, और
पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पता होना चाहिए, वो मेरा 1.01 या 1.013 जैसे जो दिया रहे, मतलब दो पॉइंट में लिखेंगे तो आसान होगा, थ्री पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ही हो गया। दूसरा एक न्यूमेरिकल करते हैं, इंटरेस्टिंग एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं। इसको नोट कर लो, पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एक यू शेप का ट्यूब है, यू शेप मतलब यू ट्यूब, इसको बोलेंगे यू ट्यूब है। ये क्या है, यू ट्यूब है, यू शेप का एक ट्यूब लिया हुआ इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्या कर दिया, पानी भर दिया, और इसमें इस लेवल के बाद मैंने कुछ और लिक्विड भर दिया यहाँ पे, कुछ और मान लीजिए ऑयल डाल दिया यहाँ पे, क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, ऑयल। इस लेवल तक क्या है, वाटर, इस लेवल तक वाटर, और इसके ऊपर क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल दिया। और ये जो ऑयल का लेवल है, ये जो ऑयल का लेवल है, ठीक है, ये लिक्विड के लेवल से मान लेते हैं कि कुछ ज़्यादा ही मैंने ड्रॉ कर दिया, चलो इसको मान लेते हैं 15 मिलीमीटर है, मान लेते हैं, इमेजिन ही करना है थोड़े स्केल में थोड़ा ना करना है। ठीक है, और ध्यान से देखो तो, और ये जो लिक्विड है, लिक्विड का यहाँ पे हाइट, ये लिक्विड मतलब वाटर का हाइट जो है ये मान लेते हैं 35 मिलीमीटर है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन में कि डेंसिटी ऑफ ऑयल बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल बताओ, ऐसा पूछेगा। ये ऑयल है, इसमें डाल दिया, ये ऑयल लिक्विड से कितना ऊपर है, 15 मीटर ऊपर तक है लिक्विड, इस लेवल से ये ऑयल के लेवल से लिक्विड कितना ऊपर है, 135 मीटर तक है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका डेंसिटी बताओ, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर ये ट्यूब अगर ओपन है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट का नाम अगर ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो प्रेशर एट ए क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, इसका डेंसिटी मान लेते हैं कि रो एल है, क्या है, रो एल है, तो रो एल जी, इसका हाइट कितना है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है इसका, इसका हाइट है एच वन और इसका हाइट है एच टू, तो इसको मान लिया एच वन इक्वल टू पी बी, पी बी क्या होगा, यहाँ भी होगा पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर, ये वाटर है ना, तो रो ऑफ वाटर जी एच टू, यहाँ देखो पी नॉट गया तो रहा क्या, यहाँ पे रहेगा रो ऑफ लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच एच वन इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच टू। सर जी भी कट जाएगा, काट रहा है, तो फिर क्या मिलेगा हमको, फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ से देख लो, मैं H2 ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, रब कर दो, ज़रूरत नहीं है। तो ये 135 मिलीमीटर था, इसको बाद में यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ से मुझे रो ऑफ लिक्विड चाहिए, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, इक्वल टू क्या होगा, रो ऑफ वाटर इंटू H2 डिवाइडेड बाई H1। ठीक है, अब फिगर में चलते हैं। रो ऑफ वाटर क्या है, ये तो पता ही है, 10^3 kg/m³ होता है, ये तो पता ही है, रो ऑफ वाटर दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। H2 बोलने से ये वाला हाइट है ना, ये हाइट कितना है, 135 है, 135 इंटू मिलीमीटर में है तो 10^-3 होगा, मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई H1, ध्यान से देखो, तो H1 मतलब ये मतलब क्या, दिस प्लस दिस मतलब 135 प्लस 15 कितना होगा, 150 इंटू 10^ कितना हो गया, -3, 10^-3 और 10^-3 कट गया, तो 10^3 रह गया इंटू 135 रह गया डिवाइडेड बाई 150 रह गया। ठीक है, अब ये कुछ कटने वाला है, ये 5 से जाएगा 2 टाइम, 5 से जाएगा 7 टाइम, 5 से जाएगा 30 टाइम्स, 3 से जाएगा ये 9 टाइम्स, 3 से जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, कितना हो गया फिर, ये 10 यहाँ पे है, ये 2 रह जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना होगा आंसर, रो ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9
ये 2 नहीं होगा, 10 का पावर 2 है, ठीक है। तो 9 नीचे कुछ नहीं रह गया, तो 9 इंटू 10 का पावर 2 दैट इज़ कितना हो गया, कितना मिल जाएगा हमको, 900 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो देख के डर जाता है आदमी। देख के डरने का चीज़ नहीं है, बेसिक जो एक इस वीडियो को कम से कम तो दो बार देखना है, पॉइंट्स को नोट करना है, और नोट करने के बाद उसको थिंकिंग के साथ अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल्स मिले न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। चार पॉइंट्स मैंने लिखा है, अगर चार पॉइंट्स आदमी को याद रहे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी इस वीडियो को देखेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ दूंगा, ठीक है। आप कमेंट्स में बता दीजिए पीडीएफ चाहिए कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। पास्केल्स लॉ पढ़ेंगे, पास्केल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पास्केल्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा ताकि हमारा नीट और जेई में जब जाए तो हमारे लिए आसान हो, ठीक है। थैंक यू।